पहले इस वीक के प्रोग्राम्स के बारे में बताइए, किस तरीके से होने वाले हैं? तो हमारा थीम है वॉर और धूमधाम से होने वाली इस बार की भी परफॉर्मेंस। अभी हम कुछ अलग ट्राई कर रहे हैं और काफी मुश्किल होगा आई थिंक, बट हम बुढ़े बन रहे हैं दिस वीक। बट हमारा थीम इज काफी हार्ड वार्मिंग आई वुड से। जो हम जो कोट है एज इज जस्ट अ नंबर, हम उसे दिखा रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं स्टेज पर, और हमारा जो वॉर है इट्स अगेंस्ट एज, तो वो कॉन्सेप्ट है, होपफुली सबको समझ में आएगा। नहीं नहीं, हम उस ढंग से कोशिश करेंगे जिस ढंग से हम एग्जीक्यूट करना है हम एग्जीक्यूट करें एंड लोगों तक वो जो मैसेज है वो पहुंचा पाए। ओके, इसी के साथ में कितना टफ हो जाता है? यार तेरी वॉइस बड़ी हैवी है, वेरी नाइस। हां ओके, इसी के साथ में कितना टफ हो जाता है, कितना चैलेंजिंग होता है कि हर बार एक अलग अलग थीम के साथ में मिलना, उस पे परफॉर्म करना, कितना डिफिकल्ट होता है? बहुत डिफिकल्ट होता है, स्पेशली हर वीक में जो चेंज होते हैं। मेरी इंजरी की वजह से अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली, मतलब हमें ज़्यादा, एक्चुअली नॉट, आई वुड से नॉट फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली हमें कुछ ज़्यादा ही सोचना पड़ता है। तो इसलिए आई थिंक जब लोग हमें पूछते हैं कि हमारा ग्रेटेस्ट कॉम्पिटिशन क्या है, ऑनेस्टली हमारे लिए इट्स अस, क्योंकि आई थिंक हम किसी के साथ अपने आप को कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो सिचुएशन है वो किसी का सिचुएशन नहीं है। तो इसलिए हर हफ्ता जो थीम्स और जो भी होते हैं हमारे लिए अलग लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी होता है, क्योंकि हमारा, हमारी टीम को और हमारे कोरियोग्राफर्स को ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग कि अभी ये हफ्ता इसे कैसे नचाएंगे। और ऐसे लगता है कि हर हफ्ता मेरा कंडीशन इम्प्रूव हो रहा है और हम कुछ नया कर रहे हैं, ये वो, बट एक्चुअली नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट कि हम कुछ ना कुछ, हमारा टीम कुछ ना कुछ करता है और दे फिगर आउट थिंग्स, जहाँ कोरियोग्राफी में ज़्यादा प्रेशर एंड वेट मैं राइट लेग पर ले रही हूँ और उसमें बहुत सोच जाता है, बहुत ज़्यादा सोच। सो या ओके, इसी के साथ में रिहर्सल में जिस तरीके से हमने देखा कि काफ़ी, मतलब आप दोनों बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग, आपका परफॉर्मेंस तो है ही, इसी के साथ में कितना, मतलब कितनी डिटेलिंग करनी पड़ती है रिहर्सल करते वक्त? और मतलब इस बार आप एज भी, मतलब आपकी जो बड़ी आपको उस तरीके से दिखाएंगे, तो उस पर कितना काम करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, बिकॉज अगर डिटेलिंग में नहीं जाओगे तो कभी अगर आपको लगेगा कि मिस्टेक है, बिकॉज बूढ़े हैं तो हम ये भी सोच सकते हैं कि थोड़ा लड़खड़ाएंगे, बट प्रॉब्लम हो जाती है कि लड़खड़ाना अगर बीट पे नहीं हुआ या फिर ऑफ चला गया या फिर एक्सप्रेशन के साथ मैच नहीं किया, तो वो लगेगा कि आप गड़बड़ किया आपने स्टेप में। सो डिटेलिंग तो ऑब्वियसली जाती है, हर परफॉर्मेंस में जाती है, नॉट ओनली दिस, एंड उससे ज़्यादा डिटेलिंग उसमें भी जाती है, एज नित्यामी सेड की प्रेशर नहीं आना चाहिए, मतलब जोश में कभी कभार हम होश खो जाते हैं, ये इनका बहुत एक जन से भी यही देखता रहता है कि कर तो रही है बट इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिकॉज उसको 2 मिनट या 5 मिनट बाद रियलाइज होगा, बट हमें एज कोरियोग्राफर्स या फिर एज द वन हू आर ट्रेनिंग अस, उनको समझ में आ जाता है कि बैलेंसिंग किस में जा रही है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो डिटेलिंग में हमको ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम लग जाता है। कोई रेफरेंस लिया आपने, मतलब क्योंकि एक काफ़ी एक एजेड किरदार है, मतलब जो आप स्क्रीन पे आप लोग एकदम अलग ही दिखेंगे जब मेकअप हो गए और बाकी सारी चीज़ें होंगी, तो वो उस पर किस तरीके से परफॉर्म करना है, क्या दिमाग में चलता है? नहीं, आई मीन वो हमने थोड़ा सा ओरिजिनल रखा है अपना थॉट, बिकॉज मतलब इन टर्म्स ऑफ कि बूढ़े बने बट डांसिंग तो करना ही है, बिकॉज हम आ रहे हैं, मतलब वैसा है कि इन लोग से तो डांस हम एक्सपेक्ट करेंगे ही, तो वो हम लोग को डांसिंग में लेकर आना है, जो ऐसा नहीं है कि हमने कोई रेफरेंस उठाया है और उससे वो करना है, बट आई मीन इन जनरल जो ऑब्जर्वेशन करते हैं रादर वो हमने उठाया है, दिमाग में रखा है कि जब शादियों में स्पेशली जब थोड़ा सा दादा दादी आके डांस करते हैं या फिर वो चलते हैं या फिर इन्जॉय करते हैं एक्सप्रेशन है, वो सारी चीज़ें कोशिश करेंगे कि वो उठाएँ, वो ग्रास्प करके स्टेज पर दर्शाए, ताकि लोग रिलेट कर पाए कि अरे हाँ मेरा दादा या मेरी दादी या फिर यू नो व्हाट एवर दे कैन रिलेट टू। परफॉर्मेंस है, हाँ। ओके, इसी के साथ में नित्या आपसे बात करी जाए, तो कितना मुश्किल होता है शांतनु के साथ में डांस करना एंड उनको मैच कर पाना, कितना टफ है? टफ तो है ही, आई थिंक किसी को शांतनु के साथ डांस करके मैच करना तो मुश्किल है ही, हैज हिज ओन यूनिक स्टाइल डांस व्हेन इट कम्स टू डांस, बट आई थिंक हमारे केस में उसे मेरे साथ डांस करने में उससे थोड़ा नॉट मुश्किल बट इट्स मोर डिफिकल्ट उसके लिए मुझे मैच करना, क्योंकि ये इंजरी की वजह से इसे मुझे बहुत सहारा देना पड़ता है और बहुत सारे स्टेप्स और जो वो फुल्ली कर सकता है मैं नहीं कर सकती, और ऑब्वियसली हम साथ में नाच रहे तो, और हमारे एक्सपेक्टेशंस भी ये है कि नित्यामी हैज टू बी ऑन द सेम लेवल एज शांतनु, आई डोंट नो व्हाई, जब परफॉर्म होता है तो मतलब ही इज अ वेरी फास्ट डांसर, यार बहुत मतलब स्पीड में जेस्चर्स जो होते हैं, तो आपके दिमाग में क्या चलता है कि
पैनिक नहीं बहुत कुछ मुझे बहुत बार मतलब परफॉर्मेंस की मैं इसे तो पता है मैं ज़्यादा वैसे भी मैं ओवरथिंक करती हूँ तो बहुत मुश्किल है मतलब अगर मेरा पैर ठीक भी होता तब भी मेरे लिए मुश्किल होता तो अभी इसके साथ तो और ज़्यादा मुश्किल है एंड ऑब्वियसली आई थिंक इसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुश्किल है क्योंकि इट्स डिफिकल्ट ओके इसी के साथ में अगर बात करी जाए जिस तरीके से शांतनु का जो हमने डांस देखा मतलब ही सो फास्ट मतलब बहुत मतलब एक बहुत स्पीड होती है इनके स्टेप्स में इनके डांस में इनके मूव्स में अगर आपकी अगर बात करी जाए तो कितना मुश्किल हो जाता है इनको मैच कर पाना एंड क्या चलता है आपके दिमाग में जब आप डांस करती हैं बाप रे बहुत बहुत सारे चीज बट आई थिंक ही इज नॉट ओनली फास्ट बट ही इज बहुत क्लीन है ही डांसेस इज अ वेरी क्लीन डांसर और मैं प्रोफेशनल डांसर नहीं हूँ तो फास्ट डांस करना उसके ऊपर क्लीन डांस करना बहुत मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और अभी हमारा इंजरी भी आ गया है तो और भी ज़्यादा मुश्किल है एंड आई थिंक इट्स नॉट फेयर सिर्फ मेरे लिए मुश्किल नहीं है शांतनु के लिए भी मुश्किल है बिकॉज बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है कभी कभार ऑल्दो वो कभी फ्रस्ट्रेटेड नहीं होता है मेरे साथ बट आई थिंक इफ़ आई वाज हिम मैं हो जाती क्योंकि तुम कर सकते हो तुम फुल आउट कर सकते हो बट मैं तो मतलब अभी यहाँ तक भी नहीं आ सकती हूँ आई कान मैच हिम एट ऑल बिकॉज ऑफ द इंजरी तो आई रियली रिस्पेक्ट द फैक्ट कि उससे ही इज़ वेरी पेशेंट मेरे साथ और आई थिंक डिफिकल्टी सिर्फ मेरा नहीं है उसका भी है एंड आर होल टीम फॉर दैट मैटर एंड शांतनु आपके लिए कितना चैलेंजिंग हो जाता है क्या चलता है आपके दिमाग में जब आप नित्यामी के साथ में डांस करते हैं कुछ नहीं नहीं एक चीज़ डेफिनेटली वो बाय डिफॉल्ट जो है वो आ जाती है कि जब आप पार्टनर डांसिंग या जोड़ी डांसिंग करते हो तो यू हैव टू मेक श्योर कि आप ज़्यादा ना दिखो वो कम ना दिखे या वो ज़्यादा ना दिखे तो वो चीज़ को जो बैलेंस जो करना रहता है वो डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभार हमें मुझे ज़्यादा पुश करना पड़ता है अपने आप को बिकॉज कभी कभार होता है कि कुछ कुछ स्टेप्स होते हैं जो मेरे को बहुत ध्यान रख के मतलब एड्रेनल में नहीं कर सकता हूँ मैं मतलब बॉडी में जो बैठी उसके बावजूद मुझे ध्यान रख के करना पड़ता है बिकॉज एट द सेम टाइम बैलेंस अगर चला गया तो उसका राइट साइड में नहीं मतलब उसके लेफ्ट साइड में डाल ही नहीं सकते हैं उसका बैलेंस सो आई हैव टू मेक श्योर कि इतना अवेयरनेस रहूँ आउट ऑफ दैट सेम एनर्जी कि मुझे राइट साइड में जाना है या फिर इस तरीके से छोड़ना या इस तरीके से जब तक वो लैंड नहीं करेगी तब तक नहीं निकल सकता हूँ सो वो सारी चीज़ें जो वो इंट्रिकेट हो जाती है एंड वो टफ हो जाता है बट ओवरऑल इट्स नॉट समथिंग जो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है बट इनिशियल लेवल में जो कोरियोग्राफी लेवल में होता है वो टफ हो जाता है कि एवरी वीक अलग अलग चीज़ें लेकर आना सोच कर आना एट द सेम टाइम उतना पुश तो करते ही हैं हर वीक बट क्रिएटिवली हर चीज़ अलग अलग करना वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है स्पेशली बिकॉज इंजरी है नॉट समथिंग कि वो डांसर नहीं है या ये नहीं है बिकॉज बहुत सारे नॉन डांसर्स है ऐसा नहीं है कि वो एक्सक्यूज़ है इट्स जस्ट दैट वो डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज एक्सपेक्टेशन सेम है So, उसको मैचअप करना डिफिकल्ट हो जाता है ओके सर इसी के साथ में जाते जाते मेरा लास्ट सेकंड जो सवाल दिया बिल्कुल आपके अलावा किसको आप टफ कंपटीशन मानते हैं मैं ऐसा किसी को टफ कंपटीशन मानता हूं बिकॉज़ आई रियली फील कि जो मुझसे या हमारी जोड़ी से जो एक्सपेक्टेशन है वो अलग है वो एक्सपेक्टेशन किसी और जोड़ियों से नहीं है बिकॉज मी कमिंग फ्रॉम डांसिंग बैकग्राउंड तो एक अलग एक्सपेक्टेशंस है एंड नित्यामी इतना पुश कर रही है तो अब लोगों को लग रहा है कि वो रिकवर कर रही है बट ऐसा है नहीं तो वो एक्सपेक्टेशन को एंड वो जो थॉट है मेंटालिटी है नॉट मेंटालिटी वैसे बट जो थॉट है कि वो रिकवर हो रही है इसलिए उसको और पुश कर सकते हैं या फिर अभी ड्रामा कर रहे हैं इंजरी को बड़ा खींच रहे हैं ऐसा नहीं है तो वो जो है वो उसको प्ले करना वो टफ हो जाता है इन टर्म्स ऑफ की कोरियोग्राफी वही आई मीन उसने सब कुछ बोल दिया आई थिंक या आई थिंक वही मुश्किल है हमारे लिए ना और जेन्यूनली हमारा कोई कंपटीशन नहीं है आई थिंक हमारा जो इंडिविजुअल जर्नी है वो कुछ और ही हो गया अभी तो वो हमारे लिए हर हफ्ता हाउ टू डू बेटर एंड हाउ टू डांस इसके ये सिचुएशन के साथ वो ही रहता है हमारा थॉट मोस्टली हमारी अच्छी जर्नी हो जाए वही हमारे कंपटीशन एग्जैक्टली क्या कहना चाहेंगे आपके फैंस जो दर्शक जो देखें थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग नच बलिए एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस इट रियली मीन्स अ लॉट एंड your support us. really motivates us so thank you thank you everything thank you love guys. You guys and thank you for the interview yeah har hafte koi na koi theme hoti hai aur jaise hi theme nikalti hai tab डर लगना शुरू हो जाता है कि क्या देंगे इस बार तो इस बार ऋतिक और डायु श्रॉफ आ रहे हैं तो उन्होंने थीम दी है वॉर
तो हर कोई कुछ ना कुछ इंडिया पाकिस्तान या कुछ टेररिज्म या किसी फिल्म के बारे में या लड़का लड़की के बीच में वॉर ऐसा कर रहे हैं, बट हमारे जो कोरियोग्राफर्स हैं उन्होंने वॉर करवाई है कंटेस्टेंट्स के साथ. तो सबसे पहली बात तो थीम ही अलग है और कहीं ना कहीं एक अंडर द टेबल एक मैसेज भी जाता है कि बेटा हमसे पंगा ना ले ऐसा करके. मतलब वाइल्ड कार्ड एंट्री है तो वाइल्ड है बहुत, तो वो थीम है. और हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, बॉलीवुड थीम है हमारा डांस का. तो बॉलीवुड में तो नाचने में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं फाड़ना चाहता हूँ एक्चुअली स्टेज पे जाके. इन्होंने तो सब बता ही दिया, बट आई थिंक द थीम इज़ वॉर. एंड मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज मैं अपने फर्स्ट, हम लोग की जैसे एंट्री हुई थी वॉज वेरी चैलेंजिंग, तो मैं वही फर्स्ट एपिसोड ही अपना रिकॉल कर रही हूँ बिकॉज जिस धमाके के साथ हम आए थे, ये थर्ड एपिसोड भी कुछ धमाका ही होने वाला है. कहीं ना कहीं वो सॉन्ग के साथ भी हम कंटेस्टेंट्स को एक मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि पनाश से पंगा ना ले. सो आई थिंक इट्स गोइंग बी वेरी मच फन फॉर अस. ओके, इसी के साथ में अगर बात करिए, ऋतिक हैं, टाइगर हैं, जिनको हम डांस का मतलब एक अलग ही लेवल के वो डांसर्स हैं, तो क्या दिमाग में आता है, क्या मतलब नर्वस है, एक्साइटेड है? नहीं, दिमाग में ना लाएं तो बेटर है कि वो ऋतिक और टाइगर श्रॉफ कितने अच्छे डांसर है, क्योंकि अगर ये सोचूंगा तो फिर मेरा मोराल गिर जाएगा. बट मैं ऋतिक सर को देखने भी नहीं वाला हूँ, वो कहीं बैठे होंगे, मैं ब्लर में देखने वाला हूँ कहीं दूर. ह्यूज फैन ऑफ ऋतिक सिंस चाइल्डहुड. हाँ, मतलब मेरी इस इंडस्ट्री में आने की इंस्पिरेशन है वो. मैं उनका, मेरे ख्याल से कहो ना प्यारे मैंने 6 बार देखी थी थिएटर में, तब से उससे बड़ा फैन मैं किसी का बना ही नहीं हूँ लाइफ में. आई थिंक ऋतिक मुझे बहुत ही हैंडसम और इंटरनेशनल लुक के हीरो लगते हैं. सो आई थिंक मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एंड ऋतिक सामने आया तो बाकी सब बाजू बाजू. ये प्रे करता हूँ भगवान से कि मुझे ऐसा कुछ काम करवाओ, मुझसे ऐसी मेहनत कराओ कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम कर सकूँ. अब वो पता नहीं कैसे होगा. हमारा पहला प्रॉप ही ऐसा था जो नच बलिए 9 का सबसे बड़ा प्रॉप था, वो 2 फ्लोर्स का आईफिल टावर दे दिया था. आई थिंक इतनी हाइट पे कोई और कंटेस्टेंट गया भी नहीं था. इतनी हाइट पे कोई कंटेस्टेंट जाके ऊपर जाके डांस भी कर रहे हैं, लिफ्ट भी कर रहे हैं, जहाँ पे एक्चुअली लाइफ थ्रेटनिंग था, क्योंकि अगर ये वहाँ से गिर जाती तो हड्डियाँ तो टूटती ही टूटती. But I think that was the end to जो भी हमारे अंदर फ्योर था वो पहले ही परफॉर्मेंस में पूरा निकल गया. तो आई डोंट थिंक अभी कितने भी प्रॉप्स ला लो, वी आर रेडी फॉर इट. क्योंकि वो एक्चुअली इट्स कम्प्लीटली पूरे परफॉर्मेंस की जोड़ी है कि हमको एक दूसरे पे कितना भरोसा, हम एक दूसरे को कितना जानते हैं कि अगर ये इसने यहाँ ऐसा किया और मैंने संभाल लिया, और मैंने ऐसा किया और इसने संभाल लिया, परफॉर्मेंस है ही ये. ओके, कितना चैलेंजिंग होता है आप दोनों के लिए कि एक दूसरे की मतलब डांस को मतलब मैच कर पाना एंड वो एक दूसरे के मुंह में? बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि दोनों नॉन डांसर्स हैं तो बहुत इजीली मैच हो जाता है. कोई कंपटीशन नहीं है शांतनु जैसा कि वो बहुत अच्छा डांसर है और उसकी गर्लफ्रेंड को तकलीफ होती होगी मैं कैसे डांस करूं. वो एनर्जी मैच करने में प्रॉब्लम नहीं होती है हमें, हम उस वे में काफी कंपैटिबल और स्ट्रांग हैं कि, और कहीं भी हम ऊपर नीचे जाते तो हम एक दूसरे को संभाल लेते हैं कि यहाँ पे हम गलत जा रहे हैं, वी हैव टू मैच आवर एनर्जी, हमें मैच करनी है या हमें अपने हैंड मोमेंट्स मैच करने हैं. तो उस वे में आई थिंक हम लोग वो कुछ इतना इशू नहीं जाता. ओके, वाइल्ड कार्ड एंट्री है, बीच में से आपको एंट्री मिली है, तो इसका ये किस तरीके से देखते हैं आप इसको, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के, एक लोगों ने, एक तरफ लोगों ने अलग अपनी ऑडियंस बना रखी है और एक, या आप एक नई एनर्जी के साथ में आए? नहीं, नहीं, टाइम कब मिलता है एक्चुअली? मैं आया हूं तो मैं अपनी ऑडियंस लेके आया हूं, मेरे फैंस हैं मेरे साथ, मुझे पता है. और इससे ज़्यादा तो शुक्रिया था मैं किसी चीज़ का कर ही नहीं सकता कि मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे वो सपोर्ट करते ही करते हैं. तो मतलब वो बहुत कमाल की चीज़ है जो मेरी किस्मत में मेरी लिखी हुई है. और जब यहाँ आए हैं तो मैंने पहले एपिसोड में बोला था कि नो डाउट ये सारी जोड़ियाँ सीढ़ियाँ चढ़ के आई है, हम लोग उड़ के आए हैं. सीधा 8th week पर लॉन्च हुआ था हमारा रॉकेट. और खड़ा कर दिया था उस मंच पर उन लोगों के साथ जो पिछले 8 हफ्ते से डांस कर रहे हैं. तो हम लोगों ने कोशिश की कि हम कितना जस्टिस दे पाते हैं उस मंच को और डांस के उस लेवल को. तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े बहुत खरे उतरे हैं, हम थोड़े बहुत सैटिस्फाइड हैं, कंप्लीटली सैटिस्फाइड अभी भी नहीं है. एंड किस तरीके का रिएक्शन था आप दोनों का जब आप दोनों को मालूम पड़ा कि आपको नच बलिए पे आना है? मैं थोड़ा असमंजस में था. मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी बिकॉज ऑब्वियसली मेरा नच बलिए पे आने का हमेशा से ड्रीम था एंड आई वॉज वेटिंग फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. तो मैं इनको तो घसीट के लाई हूँ कि मुझे ये शो करना ही करना है. ऑफकोर्स आई न्यू कि कहीं ना कहीं इनको हम लोग दोनों भी नॉन डांसर्स हैं, तो हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म पे आना थोड़ा सा नर्वसनेस थी इनिशियली, बट मैं बहुत एक्साइटेड थी टू बी पार्ट ऑफ द शो. सो लास्ट वीक क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से, आपके फैंस से जो आपको देख रहे हैं? यार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ. मैं हमेशा बोलूँगा कि आप लोगों का जो प्यार मुझे मिला है
सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रहने के बावजूद वो बहुत कमेंडेबल है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोगों ने इतना लव और सपोर्ट दिया. हाँ, हालांकि हम सारे मैसेजेस कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पाते, बट हम ज़रूर आपके मैसेजेस पढ़ते हैं, देखते भी हैं. सो आगे भी पनाश को सपोर्ट कीजिए एंड कीप योर लव एंड सपोर्ट फ्लोइंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू.